Bismillahirrahmanirrahim. Now we are proceeding towards our next disease in clinical pharmacy, that is thyroid disease. Achha, ab thyroid disease ki when we are talking about, then the first is the definition. Thyroid disease consists of a multitude of disorders affecting the production or secretion of thyroid hormone, resulting in altered metabolic state. वजह ये है कि thyroid hormone जो है या thyroid gland से जो secretions निकलती है इसको हम metabolic hormone भी कहते हैं. इस वजह से जो है या thyroxine जो है वो metabolic hormone भी है. इस वजह से metabolic state change होती है अगर इसकी production और secretion में कोई normal से हटकर differences आते हैं. The clinical and biochemical syndromes resulting from too little or too much thyroid hormone production are called hyperthyroidism and hypothyroidism and hyperthyroidism respectively. जो लाजिम बात है कि अगर too little होगा, बहुत कम thyroid gland release हो रहा है, thyroxine release हो रहा है, तो this is hypothyroidism. और अगर ज़्यादा release हो रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा है, तो this is called hyperthyroidism. तो ये दो main pathological conditions होती हैं जो कि thyroid gland related disorder में शामिल है. अच्छा, अगर हम इसकी फिजियोलॉजी की बात करें कि इसकी फिजियोलॉजी क्या है थायराइड हार्मोन की, थायराइड हार्मोन रेगुलेशन. थायराइड ग्लैंड सिंथेसाइजेस, स्टोर्स एंड सिक्रीट थायरोक्सिन विच इज T4 एंड आयोडोथायरोनिन विच इज T3 हार्मोन्स दैट आर इम्पॉर्टेंट टू ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेटाबॉलिक रेट एज वेल एज द मेंटेनेंस ऑफ द हेल्दी मैच्योर सेंट्रल नर्वस एंड स्केलेटल सिस्टम. ये सारे फंक्शन हैं T4 और T3 के ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेटाबॉलिक रेट सेंट्रल नर्वस सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम के लिए, और मेंटेन करना हेल्दी एंड मैच्योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एज वेल एज स्केलेटल सिस्टम. थायराइड हार्मोन सिक्रीशन आर कंट्रोल्ड बाय थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन विच इज ऑल्सो कॉल्ड थायरोटोपिन और थायरोट्रोपिन के अलावा इसको सिंपली TSH यानी थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन भी कहा जाता है. इसकी शॉर्ट फॉर्म TSH है. TSH जो है वो एक्चुअली इट इज़ रिलीज्ड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड दैट इज ट्रिगर्ड बाय द थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीटेड फ्रॉम द हाइपोथैलेमस. अच्छा, अब ये जो TSH है जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है इसको कौन रिलीज करवाता है? इसको TRH रिलीज कराता है, दैट इज कॉल्ड थायरोटोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और ये ब्रेन में हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है. अच्छा, उसके बाद फिर क्या होता है? स्टिमुलेशन ऑफ द थायराइड बाय TSH यानी TSH जो है जब थायराइड को स्टिमुलेट करता है प्रोड्यूसेस इंक्रीज लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन एंड सर्कुलेटिंग फ्री T4 एंड फ्री T3 इन द ब्लड विच इन टर्न सिग्नल्स द पिट्यूटरी टू स्टॉप रिलीजिंग TSH नेगेटिव फीडबैक. जब T3 और T4 की सफिशेंट क्वांटिटी ब्लड में आ जाती है तो एक नेगेटिव फीडबैक ब्रेन को जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी को कि अब TSH की ज़रूरत नहीं है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सफिशेंट क्वांटिटी ऑफ T3 T4 ब्लड में मौजूद है. अच्छा, इसके बरक्स लो ब्लड लेवल ऑफ फ्री हार्मोन्स यही T3 T4 का लेवल जो अगर कम हो जाता है देन इट ट्रिगर द पिट्यूटरी gland to release of TSH जिसकी वजह से क्या होता है which stimulates the thyroid to secrete T4 and T3 until the free hormone levels return to the normal. जब तक वो normal नहीं आ जाते जब तक TSH release होता है. At this point the pituitary gland ceases to release TSH and which it complete the feedback लूप, और इस तरह से ये लूप कंप्लीट हो जाता है कि जब लेवल कम था तो TSH रिलीज हुआ, T3 T4 लेवल की सफिशिएंट क्वांटिटी रिलीज हो गई थायराइड ग्लैंड से, और उसके बाद फिर नेगेटिव फीडबैक गया जिसके बाद जो है वो TSH की रिलीज स्टॉप हो गई. दिस नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म अटेम्प्ट्स टू मेंटेन द लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग थायराइड हार्मोन विद इन ए नैरो रेंज, जो इसकी रेंज है उसके दरमियान में वो थायराइड ग्लैंड यानी T3 या T4 रहते हैं, और ख़ास तौर से फ्री T3 और फ्री T4 जो के एक्चुअल रिस्पॉन्स देते हैं. द थायराइड ग्लैंड ऑल्सो सीक्रीट्स कैल्सिटोनिन, और कैल्सिटोनिन का क्या फंक्शन है? विच प्लेज ए रोल इन कैल्शियम होम्योस्टेसिस बाय रिड्यूसिंग
ब्लड कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन। बाज दफ़ा इस जो कि थायराइड ग्लैंड का जो ये जो कैल्सिटोनिन रिलीजिंग पोर्शन है इसको पैराथायराइड हार्मोन भी या पैराथार्मोन भी कहा जाता है। अच्छा जनाब, तो उसके बाद अब हम आते हैं बायोसिंथेसिस ऑफ थायराइड ग्लैंड, यानी थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन जो है वो T3 T4 आखिर बनता कैसे है, इसका बायोसिंथेसिस। नाउ एसेंशियल टू सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन इज डाइट्री आयोडीन, यानी फूड में आयोडीन उसको पेशेंट को इंडिविजुअल को मिलना चाहिए, एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल को मिलना चाहिए जो कि थायराइड ग्लैंड की सिंथेसिस में ज़रूरी है। रिड्यूस टू इनऑर्गेनिक आयोडाइड, ब्लड में जाके वो रिड्यूस हो जाता है आयोडाइड विच द थायराइड एक्टिवली एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्लाज्मा थ्रू आयोडाइड ट्रैपिंग और आयोडाइड पंप। तो थायराइड ग्लैंड पे आयोडाइड पंप होते हैं जो क्या करते हैं कि प्लाज्मा से जो रिड्यूस्ड आयोडीन है जो कि आयोडाइड फॉर्म में, इसको अपटेक कर लेते हैं। सम ऑफ दिस आयोडाइड इज स्टोर्ड विद इन द कोलाइडल रीजन और कोलाइड्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड एंड सम डिफ्यूजेस टू द ल्यूमेन ऑफ द थायराइड फॉलिकल्स। अब ये वहाँ पर जाके क्या करेंगे, आयोडाइज इज देन ऑक्सीडाइज्ड बाय द थायराइड परऑक्सीडेज एंजाइम, यानी अब ये थायराइड ग्लैंड में ये फंक्शन होना शुरू हो गया, या आयोडाइड जो होगा वो ऑक्सीडाइज होगा बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम कॉल्ड थायराइड परऑक्सीडेज। उसके बाद एंड देन बाउंड टू टायरोसिन रेजिड्यूज, टायरोसिन जो कि एक प्रोटीन है विद इन द और इंपॉर्टेंट एसेंशियल अमाइनो एसिड्स में शामिल है, बाउंड टू द टायरोसिन रेजिड्यूज विद इन द थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल इन द कोलाइड वाई अ प्रोसेस कॉल्ड ऑर्गेनिफिकेशन, यानी जब ये आयोडाइड जो है वो ऑक्सीडाइज होने के बाद टायरोसिन रेजिड्यू के साथ बाउंड हो जाता है तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑर्गेनिफिकेशन, तो ये ऑर्गेनिफिकेशन होनी शुरू हो जाती है। नाउ द व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, द ऑक्सीडेशन ऑफ द इनऑर्गेनिक आयोडाइड टू आयोडीन एंड इनकॉर्पोरेशन इन थ्रू द टायरोसिन रेजिड्यूज अकर विद इन थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूल इन द कोलाइड, कोलाइड रीजन में होता है एंड देन फॉर्मिंग ए मोनो आयोडो टायरोसिन। मोनो आयोडो टायरोसिन का मतलब है एक आयोडीन टायरोसिन रेजिड्यू के साथ जुड़ गया। उसके बाद क्या होगा, डाई आयोडो टायरोसिन बनेगा, वो कैसे बनेगा, रिजल्ट फ्रॉम द आयोडाइजेशन ऑफ मोनो आयोडो टायरोसिन, यानी MIT जो कि है मोनो आयोडो टायरोसिन, उसकी फिर आयोडाइजेशन होगी, एक और आयोडीन आके उसके साथ जुड़ेगा एंड देन नाउ इट विल कन्वर्ट इनटू डाई आयोडो टायरोसिन। अब उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डाई आयोडो टायरोसिन, यानी दो डाई आयोडो टायरोसिन या होंगे वो कंबाइन होंगे एंड दिस मॉलिक्यूल विल फॉर्म टेट्रा आयोडो थायरोनिन, ये बनेगा टेट्रा आयोडो थायरोनिन जिसको हम थायरोक्सिन हार्मोन या T4 भी कहते हैं। इसमें फोर का मतलब ये है कि इसमें चार आयोडीन मौजूद हैं। इसके अलावा एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ मोनो आयोडो टायरोसिन एंड डाई आयोडो टायरोसिन ये भी होगा, जिसके नतीजे में क्या होगा, ट्राई आयोडो थायरोनिन बनेगा जिसको हम T3 कहते हैं, क्योंकि इसमें मोनो आयोडो टायरोसिन यानी जिसमें एक आयोडीन है और डाई आयोडो टायरोसिन जिसमें दो आयोडीन है, टोटल मिलकर तीन हो गए, लिहाजा ये ट्राई आयोडो थायरोनिन बनाएगा जिसको हम ट्राई आयोडो थायरोनिन कहते हैं, ये सिंपली T3 भी कहते हैं। तो इस तरह से थायराइड ग्लैंड में T4 और T3 बनेंगे। दीज रिएक्शंस आर ऑल्सो कैटलाइज बाय थायराइड परऑक्सीडेज एंजाइम्स, ये जो रिएक्शन है T4 और T3 सिंथेसिस के, ये फर्दर कैटलाइज होते हैं एंजाइम्स है जिसका नाम है पर ऑक्सीडेज। तो इस तरह से जो है ये बायोसिंथेसिस होता है थायराइड हार्मोन का। अब आइए हार्मोन ट्रांसपोर्ट के हवाले से हम बात करते हैं। आफ्टर TSH स्टिमुलेशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड T4 एंड T3 आर क्लेव्ड फ्रॉम द थायरोग्लोबुलिन एंड रिलीज इन टू द सर्कुलेशन, यानी थायरोग्लोबुलिन जो कि थायरोक्सिन ग्लैंड में होते हैं उसके साथ ये बाइंड होते हैं तो ये ब्रेक हो जाते हैं, क्लेव हो जाते हैं और ये सर्कुलेशन में आ जाते हैं। वेन इन द सर्कुलेशन थायराइड हार्मोन इज ट्रांसपोर्टेड बाउंड टू सेवरल प्लाज्मा प्रोटीन ए प्रोसेस दैट पहला पॉइंट हेल्प्स प्रोटेक्ट द हार्मोन फ्रॉम प्री मैच्योर मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। तो जब ये रिलीज हो जाते हैं सर्कुलेशन में तो कुछ हार्मोन जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाते हैं। क्यों बाइंड हो जाते हैं, एक तो ये कि ताकि रैपिडली मेटाबोलाइज ना हो जाए, प्री मैच्योर मेटाबॉलिज्म ना हो जाए और फिर वो एक्सक्रीट ना हो जाए। इसके अलावा प्रोलॉन्ग इट्स हाफ लाइफ इन द सर्कुलेशन एंड अलाउज द थायराइड हार्मोन टू रीच इट्स साइट ऑफ एक्शन,
और उससे क्या होता है, ये प्लाज्मा प्रोटीन जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के तौर पर भी काम करती हैं, ये जो है वो उसको उस साइट पर ले जाती हैं जहाँ पर थायराइड हार्मोन की ज़रूरत है। मोस्ट थायराइड हार्मोन इज ट्रांसपोर्टेड बाय थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, TBG थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन। तो ये स्पेसिफाइड प्रोटीन या ट्रांसपोर्टर होते हैं जिनके साथ बाइंड होके ये थायराइड हार्मोन उस जगह पे जाते हैं जहाँ पर इनकी ज़रूरत बॉडी में होती है। इसके अलावा और भी प्रोटीन है लाइक ट्रांस थायरेटिन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड थायरोक्सिन बाइंडिंग प्री एल्ब्यूमिन एंड एल्ब्यूमिन ऑल्सो सर्व एज ए कैरियर। तो ट्रांस थायरेटिन या जिसको हम और कहते हैं थायरोक्सिन बाइंडिंग प्री एल्ब्यूमिन और एल्ब्यूमिन, ये भी जो है प्रोटीन जो है प्लाज्मा प्रोटीन एक कैरियर के तौर पर काम करती हैं और T3 T4 को उनकी लोकेशन पे जहां उसकी ज़रूरत है वो पहुंचाती हैं और प्री मैच्योर मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन से रोकते हैं। एक्सक्यूज मी, T4 एंड T3 आर लिपोफिलिक मॉलिक्यूल्स एंड क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन ईजिली। हाउएवर देयर आर आयोडोथायरोनिन ट्रांसपोर्टर्स दैट फैसिलिटेट्स द ट्रांसपोर्टेशन। तो आयोडोथायरोनिन ट्रांसपोर्टर जो है वो इसको जो है वो फैसिलिट करते हैं इसका ट्रांसपोर्ट यानी सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस करने में, लेकिन वैसे भी ये क्योंकि लिपोफिलिक इन नेचर है तो आसानी से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेते हैं। अच्छा जनाब, इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप विच इज़, ये तो ट्रांसपोर्ट पर हमने बात कर ली, अब आइए हॉर्मोन का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। T4 is solely a product of the thyroid gland, whereas T3 is a product of both the thyroid as well as many other tissues, and it is produced by deiodination of T4. यानी जब ब्लड में जो है T4 आ जाता है तो उसका एक आयोडीन रिलीज हो जाता है तो वो फिर T3 में कन्वर्ट हो जाता है। जो पेरिफ्रल कन्वर्जन है ऑफ T4 टू T3 यानी जो ब्लड सर्कुलेशन में अकर्स इन द पिट्यूटरी ग्लैंड में भी होती है, लिवर एंड किडनीज एंड अकाउंट्स फॉर अबाउट 80% ऑफ T3 जनरेशन। यानी T3 जो जनरेट होता है बॉडी में सर्कुलेटिंग अमाउंट जो होता है वो 80% जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड लिवर और किडनीज में होता है जहाँ पर जो है वो इसकी डीआयोडीनेशन जो होती है डीआयोडीनेज एंजाइम से T4 की और वो T3 में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, डीआयोडीनेशन अकाउंट्स फॉर मोस्ट थायराइड हार्मोन डिग्रेडेशन, और लाजमी बात है जैसे जैसे इसकी डीआयोडीनेशन होती जाएगी थायराइड हार्मोन डिग्रेड होता चला जाएगा। डीआयोडीनेटेड हार्मोन्स आर एक्सक्रीटेड इन फीसिस एंड यूरिन, यानी दोनों रूट हैं बिलियरी एक्सक्रीशन एंड किडनी, जो लिवर एंड किडनी दोनों जो है वो उसकी डीआयोडीनेटेड जो थायरोक्सिन होता है जो कि डिग्रेडेड हो चुका होता है मेटाबोलाइज हो चुका होता है उसकी एलिमिनेशन में ये दोनों ऑर्गन जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं। Minor non-deiodination pathways of metabolism includes conjugation with sulfate and glucuronide, deamination and decarboxylation. इसके अलावा जो है ये थायराइड हार्मोन कॉन्जुगेट बनाता है सल्फेट कॉन्जुगेशन, ग्लूकोरोनाइट, अमाइनो एसिड कॉन्जुगेशन, कार्बोक्सिलिक एसिड कॉन्जुगेशन, जिसके जरिए ये जो है वो मेटाबोलाइज होता है और बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है। नाउ ये हमने बात कर ली इसकी हार्मोन की मेटाबॉलिज्म की, अब हम बात करते हैं हार्मोन के फंक्शन की। ऑल्दो द इफेक्ट्स ऑफ थायराइड हार्मोन्स आर नोन कि वो मेटाबॉलिक हार्मोन है, द बेसिक मैकेनिज्म प्रोड्यूसिंग दीज इफेक्ट्स एल्यूट प्रिसाइज डेफिनेशन। वो क्या है, हाउएवर दे सीम टू एक्टिवेट मैसेंजर RNA ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस एंड कैन प्रमोट प्रोटीन सिंथेसिस और एन एक्सेसिव अमाउंट प्रोटीन कैटाबॉलिज्म। तो ये जो है प्रोटीन सिंथेसिस और प्रोटीन कैटाबॉलिज्म करवाता है, जिसके नतीजे में क्या होता है, क्या क्या इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं उसको हम वन बाय वन देखते चले जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बाय रेगुलेटिंग लॉन्ग बोन ग्रोथ एंड अफेक्टिंग प्रोटीन सिंथेसिस। ग्रोथ होती है लॉन्ग बोन ग्रोथ की और अफेक्टिंग प्रोटीन सिंथेसिस। इसके अलावा कैलोरीजेनेसिस मीन्स कैलोरीज प्रोड्यूस होती हैं बाय इंक्रीजिंग द रेट ऑफ बेसिल मेटाबॉलिज्म, यानी BMR बेसिल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है ये। इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बाय इंक्रीजिंग द मेटाबॉलिक रेट विच इंक्रीजेस द ब्लड फ्लो कार्डिक आउटपुट एंड हार्ट रेट एंड मे बी रिलेटेड इन पार्ट टू एन इंक्रीज टिश्यू सेंसिटिविटी टू
कैटेकोलामाइंस, यानी इसके अलावा ये कार्डियोवैस्कुलर जो हार्ट रेट बढ़ रहा है, कार्डिक आउटपुट बढ़ रहा है, ब्लड सप्लाई बढ़ रही है, तो इसकी वजह ये है कि शायद ये जो कैटेकोलामाइन यानी एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन के रिसेप्टर्स हैं उसकी सेंसिटिविटी को बढ़ाता है जिसकी वजह से हार्ट रेट इंक्रीज होता है। इसके अलावा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या करता है ये थायराइड हार्मोन, इंक्रीजिंग और डिमिनिशिंग सेरिब्रेशन डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी। इसके अलावा मस्कुलेचर बाय कॉजिंग ए फाइन ट्रेमर, हाथों में ट्रेमर जो है अगर ये मसल्स में आ रहा है तो वो एक्सेसिव थायराइड हार्मोन की निशानी है। स्लीप बाय इंड्यूसिंग वेकफुलनेस विथ हाइपरथायरॉयडिज्म और सोमनोलेंस विथ हाइपोथायरॉयडिज्म, जब ये थायराइड ज़्यादा होगा तो वेकफुलनेस होगी यानी जागेंगे और कम होगा तो सोमनोलेंस यानी नींद आएगी। अच्छा, इसके अलावा लिपिड मेटाबॉलिज्म बाय स्टिमुलेटिंग लिपिड मोबिलाइजेशन एंड डिग्रेडेशन, तो ये जो है वो सारे इसके जो है वो लिपिड के मोबिलाइजेशन और डिग्रेडेशन जो होंगे। अच्छा जनाब, अब आइए इसके बाद थायरॉइड फंक्शन स्टडीज़, और उसमें सबसे पहली चीज़ है सीरम थायरोट्रोपिन एसेस, TSH एसेस, जो यानी बेसिकली हम इसको कह लीजिए थायराइड फंक्शन टेस्ट भी कह सकते हैं, यानी थायराइड के टेस्ट अगर किसी में हम वी आर सस्पेक्टिंग द पेशेंट इज़ हैविंग आइदर हाइपर थायरॉयडिज़म और हाइपोथायरॉयडिज़म, तो क्या थायरॉक्सिन फंक्शन या थायराइड फंक्शन स्टडीज़ हम करें जैसे हम डायग्नोस सही तरह से कर लें। तो उसमें सबसे पहले है TSH एसे जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। दिस टेस्ट इज़ द मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग द hypothyroid state because the hypothalamic pituitary axis compensate very quickly even slight decrease in circulating free hormone by releasing more TSH, यानी इसका मतलब ये है जब T3 T4 कम होने लगेंगे तो फौरन ही TSH release बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि the TSH level may be elevated even before low circulating level of serum total T4 or डिटेक्टेबल बाय डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, यानी जैसे ही T4 लेवल T3 लेवल कम होना शुरू होंगे TSH फौरन रिलीज होना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टडी है थायरॉक्सिन फंक्शन स्टडीज़ में या थायरॉक्सिन टेस्ट में कि TSH लेवल को चेक किया जाए। यानी इससे हम ये इंटरप्रिटेशन ले सकते हैं कि अगर TSH लेवल हाई है इसका मतलब है ब्लड में T3 T4 का लेवल कम है और पेशेंट इज़ गोइंग इन हाइपोथायरॉयडिज्म, अगर TSH का लेवल कम है दो सो इट मीन्स T3 T4 लेवल हाई है और जिसकी वजह से TSH सप्रेस हो रहा है उसका लेवल कम है पेशेंट इज इट मीन्स द पेशेंट इज हैविंग हाइपर थायरॉयडिज्म। द अर्ली TSH एसेस यूज रेडियो इम्यूनो एसे मैथडोलॉजी, द सेंसिटिविटी ऑफ द एसे हैज इम्प्रूव्ड सिंस मूविंग टू द यूज ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज इन द लेट 1980s। तो पहले रेडियो इम्यूनो एसे मैथडोलॉजी से ज़्यादातर यूज होता था, उसके बाद टेक्निक चेंज हो गई। नॉमनक्लेचर इस्टेब्लिश बाय द अमेरिकन थायरॉयड एसोसिएशन हैज़ क्लासिफाइड द इम्प्रूवमेंट इन सेंसिटिविटी बेस्ड ऑन द लोअर लिमिट ऑफ डिटेक्शन, मीन्स लिमिट ऑफ डिटेक्शन और लोअर हो गई, रेडियो इम्यूनो एसे मैथडोलॉजी में जो कम थी वो लोअर लिमिट और ज़्यादा स्पेसिफाइड और बहुत कम लेवल को भी ये चेक करने के काबिल हो गया ये टेस्ट। द न्यू क्लासिफिकेशन फॉलोज ए जनरेशनल फॉर्मेट, और इसमें क्या हुआ कि अब क्या होता है कि द करंट थर्ड जनरेशन सीरम TSH ऐसे लेवल ऑफ डिटेक्शन इज 0.01 टू 0.02 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर यूजेस मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज रेफर टू एज इम्यूनो रेडियोमेट्रिक और इम्यूनोमेट्रिक मैथडोलॉजी इंस्टेड ऑफ द ओल्डर रेडियो इम्यूनो एसे टेक्निक। यानी अब ये जो टेक्निक आई रेडियो इम्यूनोमेट्रिक ऐसे इससे TSH का कम से कम लेवल 0.01 से 0.02 भी डिटेक्ट हो सकता है जो कि पुरानी टेक्निक जो कि रेडियो इम्यूनो एसे है उससे नहीं मालूम हो सकता था। तो इसी वजह से नाउ दिस रेडियो इम्यूनोमेट्रिक मेथड डेमोन्स्ट्रेट ग्रेटर सेंसिटिविटी इन डिटेक्शन ऑफ थायरॉयड डिजीज देन द ओल्डर टेस्ट। अच्छा जनाब, दिस एसे इज़ यूजुअली यूज टू डायग्नोस थायरॉयड डिजीज़, इससे क्या होता है कि थायरॉयड डिजीज़ की डायग्नोसिस और आसान होगी एंड मॉनिटर द पेशेंट रिसीविंग रिप्लेसमेंट थेरेपी टू कंट्रोल द ओवर ट्रीटमेंट। यानी अब होगा यूँ कि जैसे सपोज दैट TSH लेवल इज़ वेरी हाई
इट मींस यानी आप लेवल जो है वो बहुत हाई है, और आपने क्या किया उसको थायराइड यानी थायरॉक्सिन टैबलेट देना शुरू कर दी, थायरॉक्सिन सप्लीमेंटेशन शुरू कर दी। अब होगा यूँ कि ब्लड में T4 लेवल और T3 लेवल मेंटेन होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो सीरम में TSH लेवल जो पहले बढ़ा हुआ था हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। तो आप इसको मुसलसल मॉनिटर करते रहेंगे TSH लेवल को, और जब ये नॉर्मल रेंज में आ जाएगा तो फिर आपने थायरॉक्सिन की डोज जो है वो रीएडजस्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि उसको फिर आप कम करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि फिर पेशेंट हाइपरथायरॉयडिज्म में जाना शुरू हो जाए और TSH लेवल नॉर्मल से भी नीचे लेवल पर आ जाए। क्योंकि ओवर ट्रीटमेंट TSH लेस देन 0.4 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर में कंट्रीब्यूट टू एक्सेसिव बोन डीमिनरलाइजेशन, और जिसकी वजह से रिड्यूस बोन डेंसिटी, बोन डेंसिटी कम होगी एंड बोन इज वेरी इजी टू हैव फ्रैक्चर, यानी फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके अलावा ECG चेंजेस, एट्रियल फिब्रिलेशन, एलिवेशन ऑफ लिवर फंक्शन टेस्ट, ये सारे होना शुरू हो जाएंगे जब TSH लेवल लेस देन 0.4 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर आ जाएगा, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि अब पेशेंट इज नाउ गोइंग इन हाइपरथायरॉयडिज्म बिकॉज ऑफ ओवर ट्रीटमेंट विद सप्लीमेंटल थायरॉयड हार्मोन। तो अगर हम एक जनरल इवेल्यूएशन करें रिजल्ट थायरॉयड डिसऑर्डर का, तो हम ये कहें कि हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होगा और हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होगा। तो सीरम रेजिन ट्राईआयोडोथायरोनिन अपटेक, जो कि RT3 अपटेक कहलाता है, RT3 अपटेक रेजिन ट्राईआयोडोथायरोनिन अपटेक, हाइपोथायरॉयडिज्म में इसकी का लेवल लो होगा और हाइपरथायरॉयडिज्म में इसका लेवल हाई होगा। सीरम टोटल थायरॉक्सिन TT4 यानी इसमें फ्री और बाउंड दोनों शामिल हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म में इसका लेवल लो होगा, हाइपरथायरॉयडिज्म में इसका लेवल हाई होगा। इसी तरीके से सीरम टोटल ट्राईआयोडोथायरोनिन यानी टोटल T3 जो कि बाउंड और अनबाउंड फ्री दोनों शामिल है, इसका लेवल भी हाइपोथायरॉयडिज्म में कम होगा और हाइपरथायरॉयडिज्म में हाई होगा, जो भी इसकी कट ऑफ रेंज है। फ्री थायरॉक्सिन इंडेक्स FTI हाइपो में कम होगा, हाइपर में ज़्यादा होगा। सीरम थायरोटोपिन TSH उसका लेवल हाइपोथायरॉयडिज्म में ज़्यादा होगा, जैसे हमने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले कि हाइपोथायरॉयडिज्म में इसका लेवल जो है वो हाई होगा और हाइपरथायरॉयडिज्म में इसका लेवल कम होगा, जो कि लेस देन 0.4 होगा। अच्छा जनाब, नाउ द इम्यूनोमेट्रिक एसे टेक्निक इज़ वेरी सेंसिटिव, हम इस पर भी थोड़ी देर पहले भी बात कर चुके हैं कि ये बहुत सेंसिटिव टेक्निक है। द फोर्थ जनरेशन IMA कैन डिटेक्ट TSH लेवल इन द रेंज ऑफ 0.002 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर, यानी इसकी सेंसिटिविटी और ज़्यादा इंक्रीज हो गई। द थर्ड जनरेशन IMA ऐसे यानी इम्यूनोमेट्रिक ऐसे में ऑल्सो डिटेक्ट सब क्लिनिकल थायरॉयड डिजीज वैन द TSH लेवल इज 0.12-0.4 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर लेवल। ट्रीटमेंट ऑफ सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म इज कॉन्ट्रोवर्शियल बिकॉज देर इज सफिशियंट एविडेंस इनसफिशियंट एविडेंस टू इंडिकेट ए बेनिफिट। अब ये जो सब क्लिनिकल थायरॉयड डिजीज़ है, यानी जो अगर TSH लेवल 0.1-0.45 के दरमियान में आ रहा है, तो इतना कम है, तो क्या ये वाकई थायरॉयड डिजीज़ है, इसको ट्रीट करना है या नहीं करना है, इस पर जो है वो अमंग हेल्थ केयर प्रोवाइडर कंट्रोवर्सी है, और कोई साउंड क्लिनिकल स्टडीज़ नहीं है, कोई साउंड डेटा नहीं है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन में कि हम इसको कुछ डिसाइड कर सकें कि इसको ट्रीट किया जाए या नहीं किया जाए, क्योंकि कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जो इंडिकेट करे कि इसको ट्रीट करने से बेनिफिट मिलेगा, लिहाजा इस केस को हम जो है वो वैसे ही छोड़ देते हैं। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि इसके पीछे जो है वो कोई साइकेट्रिक इलनेस इन्वॉल्व होती है, कि अगर यानी कोई सेकेंडरी कॉज इन्वॉल्व होती है, इफ़ वी ट्रीट दैट सेकेंडरी कॉज, तो ये जो है वो सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म सब क्लिनिकल थायरॉयड डिजीज़ ये खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाती है और ये लेवल जो है इसके TSH के नॉर्मल रेंज में आ जाते हैं। अच्छा, इसके बाद आइए TSH लेवल्स में ऑल्सो, अब वही वाली बात आ गई जो मैं अभी आपको कहने जा रहा था कि TSH लेवल्स में ऑल्सो बी इन्फ्लुएंस बाय साइकेट्रिक इलनेस। सम स्टडीज ऑफ हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स हैव रिपोर्टेड एबनॉर्मली हाई और लो TSH लेवल इन अदरवाइज यो थायरॉयड पेशेंट, यो थायरॉयड यानी उनका थायरॉयड फंक्शन बिल्कुल नॉर्मल है, उसके बावजूद
Current findings in HIV positive patients are uncertain. However, autoimmune thyroid disease appear to be more prevalent in these patients. HIV patients में हमने देखा है कि autoimmune thyroid disease मौजूद थी. तो बहरहाल ये कि ये जो है वो अभी हमारा हम इस पर बात नहीं करना चाहेंगे. अच्छा जनाब, अब उसके बाद हम आते हैं. There are some controversy as to appropriate upper limit of normal for serum TSH level. Most laboratories are use values of about 4.5 to 5 milli international unit per liter. लेकिन बहरहाल जो भी ज़्यादातर laboratories हैं वो upper limit consider करती हैं despite controversy. कहती हैं कि जो upper limit है TSH की वो 4.5 से 5 milli international unit per level है. इसके बाद हम आते हैं serum total थायरॉक्सिन पर बात करते हैं. सीरम टोटल थायरॉक्सिन, दिस टेस्ट यानी ये टीटी टोटल टी फोर से हमें क्या मालूमात मिलेंगे या क्या हम इससे इंटरप्रिटेशन लेंगे. दिस टेस्ट प्रोवाइड्स द मोस्ट डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ द थायरॉयड फंक्शन बाय इंडिकेटिंग हार्मोन अवेलेबिलिटी टू द टिश्यूज. सीधी सी बात है कि टोटल टी फोर कितना है, फ्री टी फोर कितना है. इट डिटरमिन्स टोटल मीन्स फ्री एंड बाउंड टी फोर बाय रेडियो इम्यूनो एसे which is sensitive and rapid. Virtually all, yani 99.97% of serum T4 is bound to thyroid binding globulin, thyroid binding prealbumin or albumin. Achha, changes in thyroid globulin concentration means ke agar ye jo binding protein hai inki concentration mein change aata hai, particularly TBG yani thyroid binding globulin which increases during pregnancy. यानी टी बी जी लेवल बढ़ जाता है प्रेगनेंसी में. सो विच ऑल्टर द टोटल कंसनट्रेशन ऑफ टी फोर एंड मे प्रोड्यूस ए मिसलीडिंग हाई और लो टेस्ट रिजल्ट. तो इस चीज़ को क्लिनिकली अंडर कंसिड्रेशन रखना है कि प्रेगनेंसी में क्योंकि टी बी जी लेवल बढ़ जाता है तो टी फोर लेवल उसमें ज़्यादा आएगा जबकि वो एक्चुअली नॉर्मल होगा, तो वो रिजल्ट जो होंगे मिसलीडिंग हो सकते हैं. हाउएवर दीज चेंजेस इन टी बी जी डू नॉट अफेक्ट द कंसनट्रेशन ऑफ फ्री टी फोर. तो फ्री टी फोर्स की कंसंट्रेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. वो देयर फोर टू क्लैरिफाई थायराइड फंक्शन आइदर प्रोटीन बाइंडिंग टी थ्री अपटेक टेस्ट और फ्री टी फोर मस्ट बी मेजर्ड. लिहाजा फ्री टी फोर भी मेजर करना ज़रूरी है. एन एलिवेटेड टोटल टी फोर लेवल इन ए यूथायराइड पेशेंट कैन बी ऑल्टर्ड बाई अदर फैक्टर्स. यानी टोटल टी फोर उन पेशेंट में जो कि यूथायराइड है, यूथायराइड यानी इनका थायराइड फंक्शन बिल्कुल नॉर्मल है, सच एज प्रेगनेंसी क्योंकि उसमें ये बढ़ जाती हैं प्रोटीन, और फेब्राइल इलनेस विच एलिवेट द टोटल टी फोर. इसके अलावा नेफ्रोटिक सिंड्रोम और सिरोसिस विच लोअर्स द टोटल टी फोर, और बहुत सारी ड्रग्स ऐसी हैं जो ये लेवल को ऑल्टर करती हैं. ड्रग को हम अभी बाद में देखेंगे. अच्छा, वैसे क्या है इन नॉर्मल रेंज वेरी अमंग लेबॉरटरीज, बट ए टिपिकल रेंज क्या है इसकी जो टोटल टी फोर की है वो 4.6 से लेके 11.2 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर. आई रिपीट, 4.6 टू 11.2 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर. तो ये हमने बात कर ली टोटल टी फोर की. इसी तरीके से अब हम बात करते हैं टोटल टी थ्री पे, यानी सीरम टोटल ट्राई आयोडोथायरोनिन. ये क्या है, दिस सेंसिटिव एंड हाईली स्पेसिफिक टेस्ट मेजर टोटल मींस फ्री एंड बाउंड टी थ्री वाया रेडियो इम्यूनो एसे. टी थ्री इज लेस टाइटली बाउंड टू थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन एंड थायराइड बाइंडिंग प्री एल्ब्यूमिन, बट मोर टाइटली बाउंड टू एल्ब्यूमिन दैन टी फोर. अच्छा, अब इसमें सीरम टी फोर एंड टी थ्री यूजली राइज एंड फॉल टुगेदर. आमतौर पर ये दोनों साथ साथ ही बढ़ते और कम होते हैं. हाउ एवर, हाइपर थायरॉयडिज्म कॉमनली कॉजेज ए डिसप्रोपोर्शनेट राइज इन टी थ्री एंड द टी टोटल टी थ्री कैन राइज बिफोर द टोटल टी फोर लेवल. यानी टोटल टी थ्री लेवल पहले बढ़ता है हाइपर थायरॉयडिज्म में कंपेयर टू टी फोर लेवल. देयरफॉर टोटल टी थ्री इज यूजफुल फॉर अर्ली डिटेक्शन टू रूल आउट हाइपरथायरॉयडिज्म. लिहाजा टोटल टी थ्री जो है वो पहले चेक करें, या अर्ली डिटेक्शन अगर है आपको अभी अभी डायग्नोज हुआ है तो टोटल टी थ्री जो है वो पहले चेक करें इस चीज़ को रूल आउट करने के लिए. गए रियली आइदर इट इज़ हाइपरथायरॉयडिज्म और देयर इज़ सम अदर प्रॉब्लम. मैनी ऑफ द सिम्टम्स एसोसिएटेड विद हाइपरथायरॉयडिज्म आर द रिजल्ट ऑफ एलिवेटेड टोटल टी थ्री.
अच्छा, दिस टेस्ट में नॉट बी डायग्नोस्टिकली सिग्निफिकेंट फॉर हाइपोथायरॉयडिज्म इन विच टोटल टी थ्री लेवल मे फॉल बट स्टे विद इन द नॉर्मल रेंज, क्योंकि हाइपोथायरॉयडिज्म में ये इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। अगर टोटल टी थ्री लेवल जो है वो नॉर्मल रेंज में आ रहा है तो इसका हरगिज की मतलब नहीं है कि पेशेंट इज यूथायरॉयड, मे बी पेशेंट इज हैविंग हाइपोथायरॉयडिज्म। द टोटल टी थ्री मे बी लो इन ओनली 50% ऑफ पेशेंट विद हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी 50% पेशेंट ऐसे होंगे जिसमें जो होगा हाइपोथायरॉयडिज्म होंगे और टोटल टी थ्री लेवल नॉर्मल रेंज से कम होगा, लेकिन बाकी 50% पेशेंट में टोटल टी थ्री लेवल नॉर्मल होगा लेकिन पेशेंट इज स्टिल हैविंग हाइपोथायरॉयडिज्म। अच्छा, इफ देयर इज एन एबनॉर्मेलिटी इन बाइंडिंग प्रोटीन दिस टेस्ट कैन यील्ड द सेम मिसलीडिंग रिजल्ट एज द टोटल टी फोर रीडिंग। जैसे हमने ऊपर बात की थी कि अगर प्रोटीन की कंसंट्रेशन चेंज होती है तो फिर वो रिजल्ट मिसलीडिंग हो जाएंगे। अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग टेस्ट रिजल्ट इंक्लूड प्रेगनेंसी, वो जैसे उसमें टी फोर में था, विच इंक्रीज द टोटल टी थ्री लेवल, मेल न्यूट्रिशन और हेपेटिक और रिनल डिजीज विच लोअर्स द टोटल टी थ्री लेवल, और वेरियस ड्रग्स, वो ड्रग्स कौन सी हैं हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। नॉर्मल रेंजेस वेरी अमंग लेबॉरटरीज, लेकिन जो टिपिकल रेंज है वो है 75 से लेके 195 नैनोग्राम पर डेसिलीटर। आई रिपीट, 75 टू 195 नैनोग्राम पर डेसिलीटर। तो ये हमने बात कर ली टोटल टी थ्री की। अब हम आते हैं एक और जो थायराइड फंक्शन स्टडीज़ का टेस्ट है, रेजिन ट्राई आयोडोथायरोनिन अपटेक, यानी RT3 अपटेक। ये हमें क्या बताएगा? This test clarifies whether abnormal T4 level are the result of thyroid disorder or two abnormalities in the binding protein because it evaluates the binding capacity of thyroid binding globulin. यानी RT3 uptake हमें ये बताएगा कि जो T4 level जो है वो abnormal जो है वो because of thyroid disorder है या protein binding का कोई problem है। अच्छा, प्रोटीन बाइंडिंग का प्रॉब्लम लिवर डिजीज़ में हो सकता है, क्योंकि जो प्रोटीन जो बनती हैं जो कि बाइंडिंग कैपेसिटी रखती हैं वो लिवर बनाता है। इफ़ एन एबनॉर्मल अमाउंट हाई और लो ऑफ थायराइड हार्मोन इज प्रेजेंट इन द ब्लड देन द RT3 अपटेक रिजल्ट्स चेंजेस इन द सेम डायरेक्शन एज द ऑल्टर्ड लेवल, मीन्स एलिवेटेड इन हाइपरथायरॉयडिज्म एंड डिक्रीज इन हाइपोथायरॉयडिज्म। यानी RT3 अपटेक हुआ होगा हाइपरथायरॉयडिज्म में और RT3 अपटेक कम हुआ होगा हाइपोथायरॉयडिज्म में। हाउएवर, इफ देयर इज एन अंडरलाइंग एबनॉर्मेलिटी इन बाइंडिंग प्रोटीन, यानी अगर बाइंडिंग प्रोटीन का मसला है यानी थायराइड का कोई मसला नहीं है, द एबनॉर्मल लेवल ऑफ टोटल T4, टोटल T3 और बोथ द RT3 रिजल्ट्स चेंजेस इन द अपोजिट डायरेक्शन, यानी अगर हाइपरथायरॉयडिज्म है तो RT3 अपटेक कम होगा और अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है तो RT3 अपटेक ज़्यादा होगा, मींस डिक्रीजिंग एज TBG इंक्रीजेज एज TBG डिक्रीजेज। यानी वही वाली बात है कि हाइपोथायरॉयडिज्म में TBG जो होंगी टोटल बाइंडिंग जो थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन यानी उसका लेवल हाई होगा और हाइपरथायरॉयडिज्म में थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन डिक्रीज होंगे। तो ये इंडिकेट कर रहा होगा कि प्रॉब्लम या एबनॉर्मेलिटी जो है वो थायराइड ग्लैंड में नहीं है बल्कि प्रॉब्लम जो है वो बाइंडिंग प्रोटीन में है। अच्छा, इसके हवाले से जो ड्रग्स हैं उस पर भी हम अभी बात करेंगे कि इस पर जो सेवरल ड्रग्स कैन कॉज स्पूरियस चेंजेस इन RT3 अपटेक। अच्छा, अब इसके बाद हम आते हैं फ्री थायरॉक्सिन इंडेक्स। फ्री हार्मोन रिप्रेजेंट्स ओनली 0.03% ऑफ सीरम टोटल T4, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि 99.97% जो T4 होता है वो प्रोटीन के साथ बाइंड होता है, बहुत कम अमाउंट जो होता है वो फ्री कंसंट्रेशन में होता है। तो द फ्री थायरॉक्सिन इंडेक्स हैज़ द एडवांटेज दैट द क्लिनिशियंस इज गिवन बोथ है टोटल T4 एंड थायराइड बाइंडिंग रेशो और इंडेक्स, मेकिंग इट क्लियर व्हेन द पेशेंट हैज़ ए पोटेंशियल बाइंडिंग प्रोटीन एबनॉर्मेलिटी। यानी इससे हम प्रोटीन एबनॉर्मेलिटी भी पता चल जाती है और थायराइड की अगर डिजीज़ है तो वो भी पता चल जाएगी। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे, यानी ये थायराइड हार्मोन बाइंडिंग रेशो या इंडेक्स, ये मालूम करने का तरीका ये होगा कि हमने RT3 अपटेक कैलकुलेट किया और उसको डिवाइड कर दिया मीन सीरम RT3 अपटेक से,
RT3 अपटेक डिवाइडेड बाय मीन सीरम RT3 अपटेक। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि थायराइड हार्मोन बाइंडिंग रेशो क्या है और ये जो है वो किस तरीके से जो है वो अफेक्ट करता है। अच्छा, वो ड्रग्स जो कि थायराइड हार्मोन को पे असरअंदाज होती हैं उसकी एक लंबी लिस्ट है जिसमें हमारे पास हैं पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड, अमाइनो ग्लूटेथाइमाइड, एम्योडेरोन, इसके अलावा एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स, इसके अलावा एंटी थायराइड ड्रग्स लाइक प्रोपाइल थायोयूरेसिल, मेथिमिजोल, एस्पैराजिनेज, बारबिट्यूरेट्स और बहुत सारी और ड्रग्स शामिल हैं, जो इसमें से कुछ ड्रग जो है वो इंक्रीज करती हैं और कुछ ड्रग्स डिक्रीज करती हैं। अच्छा जनाब, नाउ फ्री थायरॉक्सिन इंडेक्स पे ही अगर हम बात करें तो फ्री थायरॉक्सिन इंडेक्स इज़ नॉट ए सेपरेट टेस्ट बट रादर एन एस्टीमेशन ऑफ द फ्री T4 लेवल। इससे हम मालूम करेंगे फ्री T4 लेवल थ्रू ए मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स बिटवीन RT3 अपटेक एंड सीरम T4 लेवल। तरीक़ाकार क्या होगा फ्री थायरॉक्सिन इंडेक्स को कैलकुलेट करने का? टोटल T4 मल्टीप्लाई बाय RT3 अपटेक डिवाइडेड बाय मीन सीरम RT3 अपटेक। इससे हमें फ्री थायरॉक्सिन इंडेक्स मिल जाएगा। FTI वैल्यूज़ आर एलिवेटेड इन हाइपरथायरॉयडिज्म, यानी फ्री थायरॉक्सिन इंडेक्स की वैल्यू बढ़ी हुई होगी हाइपरथायरॉयडिज्म में व्हेन TBG इज़ लो, एंड डिक्रीज इन हाइपोथायरॉयडिज्म व्हेन TBG इज़ एलिवेटेड। और हाइपोथायरॉयडिज्म में फ्री थायरॉक्सिन की वैल्यू जो होगी वो कम हुई हुई होगी। ड्रग्स जो है वो भी इसमें बहुत सारी ड्रग्स हैं जो कि इन पर असरअंदाज होती हैं, जिसमें से कुछ का तस्करा हमने अभी कर लिया। अच्छा जनाब, नाउ स्ट्रेटजीज एंड कॉस्ट कंसिड्रेशन फॉर टेस्टिंग, क्योंकि ये जो थायरॉक्सिन फंक्शन स्टडीज़ हैं, थायराइड टेस्टिंग है, थायराइड फंक्शन टेस्ट है, ये एक्सपेंसिव होता है। तो अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन रिकमेंड्स ए फ्री थायरॉक्सिन लेवल एंड सेंसिटिव TSH एज द प्राइमरी लेबॉरटरी टेस्ट फॉर डायग्नोजिंग थायराइड डिजीज़। यानी वो ये कहते हैं कि ज़्यादा सारे ये RT3 अपटेक, FTI और टोटल T3 और टोटल T4 ये सब कराने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ FT4 यानी फ्री T4 और TSH ऐसे ये जो है एज ए प्राइमरी लेबॉरटरी मेथड के तौर पर, टेस्ट के तौर पर यूज़ किए जाए। थायराइड डिजीज स्क्रीनिंग फॉर द अदरवाइज जर्नली हेल्दी population has been shown to be not cost effective based on the rate of detection and cost associated with massive screening. Thyroid disease screening की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि जनरल पॉपुलेशन में अगर हम स्क्रीनिंग करते हैं तो स्क्रीनिंग की कॉस्ट ज़्यादा है कंपेयर टू ट्रीटमेंट कॉस्ट। लिहाजा इसको जनरल पॉपुलेशन में स्क्रीन करने की कोई अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन की तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। However, with increased use and improvement in technology, cost have been falling. लेकिन बहरहाल अभी भी इतनी कम नहीं हुई है इसकी कॉस्ट के हम इसको मास लेवल पर करें। स्क्रीनिंग क्या है? स्क्रीनिंग ऑफ ए सिम्टोमेटिक इंडिविजुअल इज कॉन्ट्रोवर्शियल। जिसको कोई सिम्टम नहीं है उसकी स्क्रीनिंग की ज़रूरत नहीं है, एंड रिकमेंडेशन फ्रॉम मेजर मेडिकल ग्रुप्स हैव बीन कन्फ्लिक्टिंग। और ज़्यादातर जो मेडिकल ग्रुप्स हैं, मेडिकल एसोसिएशन से, वो कहते हैं कि नहीं, इट इज़ नॉट रिकमेंडेड टू गो फॉर स्क्रीनिंग फॉर ए सिम्टोमेटिक इंडिविजुअल्स। द मोस्ट अप्रोप्रिएट टारगेट पॉपुलेशन कौन है फॉर स्क्रीनिंग? विमेन ओल्डर देन 60 ईयर्स एंड अदर्स एट हाई रिस्क फॉर थायराइड फंक्शन, यानी जिसकी हिस्ट्री हो ऑटो इम्यून डिजीज और Type 1 डायबिटीज, तो उनको चेक करें, उनकी स्क्रीनिंग करनी चाहिए। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री ऑफ थायराइड डिजीज़, अगर फैमिली हिस्ट्री है थायराइड डिजीज़ की तो उसको भी चेक करें, उसकी भी स्क्रीनिंग करें। इसके अलावा पेशेंट्स विद क्लिनिकल सिम्टम, यानी जो सिम्टोमेटिक हो फॉर हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म, उसको चेक करना चाहिए, स्क्रीनिंग में शामिल करना चाहिए। इसके अलावा प्रेगनेंट वुमेन और दोज होपिंग टू बिकम प्रेगनेंट, उनको भी की भी थायराइड स्क्रीनिंग की ज़रूरत होगी। इसके बाद है द सेंसिटिव TSH assay इज़ यूजफुल इन डिटेक्टिंग पेशेंट एट रिस्क ऑफ रिसीविंग एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ थायरॉक्सिन एज रिप्लेसमेंट थेरेपी। इसके अलावा TSH जो है वो
ऐसे जो है यूजफुल है डिटेक्टिंग रिस्क ऑफ रिसीविंग एन एक्सेस अमाउंट ऑफ थायरॉक्सिन एज ए रिप्लेसमेंट थेरेपी, यानी वो पेशेंट जो थायरॉक्सिन ले रहे हैं उनका अमाउंट चेक करने के लिए TSH ऐसे जो है वो ज़रूरी है, वही टेस्ट जो है वो करवाते रहें टाइम टू टाइम कि जो है वो थायरॉयड रिप्लेसमेंट ओवर ट्रीटमेंट तो नहीं हो रहा या अंडर ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि अंडर ट्रीटमेंट होगा तो फिर थायरॉक्सिन की डोज जो सप्लीमेंट दे रहे हैं वो बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि इसका मतलब है TSH लेवल कम ना होने का मतलब है कि अभी भी पेशेंट इज हैविंग हाइपोथायरॉयडिज्म। तो इस वजह से जो है वो TSH ऐसे जो है वो मॉनिटरिंग के लिए यानी ट्रीटमेंट की मॉनिटरिंग के लिए भी यूज़ होता है, और अगर TSH लेवल कम हो रहा है नॉर्मल से कम हो रहा है तो इट मींस के ये हमें ये इंडिकेशन दे रहा है कि TSH लेवल कम होने का कि अब हम ओवर ट्रीटमेंट की जानिब जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब थायरॉक्सिन की डोज या तो वक्ती तौर पे बंद करनी पड़ेगी, थायरॉक्सिन रिप्लेसमेंट बंद करनी पड़ेगी, या उसकी डोज कम करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने ये इसकी फिजियोलॉजी पैथोफिजियोलॉजी इसके डिटेक्शन टेस्ट ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद हम हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा जो लेक्चर 2 होगा वो होगा हाइपोथायरॉयडिज्म पे। थैंक यू वेरी मच।